हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषीष। आप देखते हैं एक्सपायरी कैसा रहा, हम लोग क्या प्लान किए थे और मार्केट में क्या हुआ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस साइकोलॉजी पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिए। कल हम लोगों ने, इससे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए हम लोग मेरा अकाउंट देख लेते हैं। यहां पे 8.99 में एक बार रिफ्रेश कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पे 9 लाख प्रॉफिट दिखा, यहां पे एक टाइम पे 11 लाख प्लस प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैंने इसको कवर किया। मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था, वो वीडियो में एंड में, वीडियो के एंड में थंबनेल में डाल दूंगा, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। मार्केट अगर 130 के बाद कंटिन्यूअसली हाई या लो ब्रेक कर रहा हो और आपको 80% से ज्यादा अगर प्रॉफिट हो चुका हो, बेटर टू क्लोज द डे, क्योंकि वो डायरेक्शनल ट्रेड हो सकता है और 130 के बाद ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा स्कोप नहीं बचता है, फिर आप फंस सकते हैं। वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप जस्ट इमेजिन करो, जो पॉइंट्स मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, बस उसी हिसाब से मार्केट आज नहीं तो कल चलेगा। बस आपको पॉइंट्स याद रखना है। और एक जगह यहां पे अगर देखेंगे 1.94 का प्रॉफिट हुआ, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूं। ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। ये अकाउंट पे मैं क्या करता हूं, चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर हम लोग मार्केट के ऊपर देखते हैं। जीरोधा में मैं मेरा होल्डिंग पोर्टफोलियो बिल्डअप करता हूं और होल्डिंग में मुझे कोलेटरल मनी मिलता है और उसके ऊपर ऑप्शन सेलिंग, तो बहुत अच्छा रहता है। लेट्स से कि ने आपने 10 लाख या 50 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाया, उससे 50 लाख अगर बनाया हो, 20-25 लाख आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब आपका 70 लाख मार्जिन आपका टोटल यूटिलाइज कर सकते हो। 50 लाख आपका होल्डिंग में पड़ा हुआ है। एक काम करूंगा, कोलेटरल के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। और जितने लोग पोर्टफोलियो ऑलरेडी रखे हुए हैं, इट्स काइंड ऑफ कि नहीं, आप फिक्स डिपॉजिट भी बैंक में रखे हो और 7% रिटर्न भी मिल रहा है, और वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप मार्जिन लेकर ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है होल्डिंग में। मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। आज हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो। देखिए, मार्केट इंटरेस्टिंग तब लगा होगा जब मार्केट खुला गैप अप। मैंने कल क्या बताया था, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, आप लोगों को कंटिन्यूअसली याद होगा, जितने लोगों को याद है डेफिनेटली डू हिट द लाइक बटन। यहाँ पे फ्लैट अगर, सॉरी, मार्केट अगर गैप अप खुला, तो आपका ये 10,800 से लेकर 10,600 का रेंज, इसी के अंदर मार्केट बंद हो सकता है, या 650 से लेकर 800 तक मार्केट बंद हो सकता है। जितने लोग जीरो टू हीरो प्रोग्राम किए हो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने कितना पैसा बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग। और कितने लोगों को आज हेल्प हुआ, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट कितने बजे मैंने भेजा था, अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए भेजा था। हम लोग जैसे डिस्कशन किए थे, बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और मार्केट नीचे गिरा, अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन केयरफुल विथ योर शॉर्ट पोजिशन, स्पेशली इन निफ्टी, इट कैन कम बैक टू 10,700 रेंज। 9:26 को मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था। जस्ट इमेजिन एक ट्रेडर का माइंड कैसे रहता है। कल मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर खुलता है तो हम लोग रेंज के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ओपन हुआ फ्लैट। मैंने आपको बताया था 40-50 पॉइंट रेंज में अगर खुलेगा बैंक निफ्टी, पहले सेलिंग के लिए आएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करता है। यहां पे मार्केट खुला, तुरंत नीचे गया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ऊपर एक ही कैंडल में, मतलब 15 मिनट कैंडल में ही गिर गया। मैंने जितने मेरे पास कॉल थे, मैंने प्रॉफिट अच्छा बुक किया। उसी टाइम पे मैंने 9:26 को आपको मैंने मैसेज कर दिया था, पहला कैंडल 9:15 to 9:30 तक बना होगा। समय अराउंड जब मार्केट चल रहा था 10,015 या फिर 10,000 के आसपास जब चल रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करो, क्योंकि मार्केट 10,700 रेंज तक फिर से आ सकता है रिटर्न। ये कंप्लीटली मैंने आपको बताया था। कितने लोगों को ये लाइन भी हेल्प हुआ और इसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ, डू लेट मी नो, क्योंकि ट्रेडर मार्केट को समझता है। कल सुबह अगर लेट से मैं सेल के लिए बैठा हूं, लेकिन मार्केट में अगर मुझे कुछ सिनेरियो दिखता है बाइंग के लिए, तो मैं बाय करना पसंद करूंगा। मैं मार्केट के फेवर में, मेरा इमोशन, मेरा ईगो मार्केट के ऊपर नहीं आना चाहिए। मार्केट जैसे ट्रेड होता है, फॉलो द मार्केट उसी हिसाब से। इंपॉर्टेंट ये अभी रहेगा, क्या जितने लोग प्रॉफिट कमाए होंगे, डू लेट मी नो, क्योंकि हम लोग इतना सारा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं। रेंज बता के देता हूं, जीरो टू हीरो प्रोग्राम में लास्ट 11 ट्रेड्स में, मतलब 8 ट्रेड्स में, सॉरी 9 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो चुका है, 2 ट्रेड में लॉस हुआ है। इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो। जो लोग फर्स्ट टाइम भी ट्रेड कर रहे होंगे, दे विल आल्सो मेकिंग मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं, आपको ये प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा। कल सुबह जाके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे लॉस हो सकता है, तो ये लॉसेस को थोड़ा कम रखिए, क्योंकि आपको पता है 10 out of 7-8 टाइम अगर आप प्रॉफिट करो, इट्स मोर देन एनफ। तो चलिए, आज का मार्केट मैंने ऐसा क्या दिखा, जो 9:26 को आपको ने मैसेज कर दिया था मार्केट ऊपर जा सकता है, बी अवेयर ऑफ योर शॉर्ट पोजीशन। इतना भी अगर आपको पता होता, एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन कवर कर देते प्रॉफिट में, और बाइंग के लिए फिर हम लोग प्लान कर सकते थे। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, बैंक निफ्टी पहला कैंडल फ्लैट खुला, फर्स्ट थिंग, निफ्टी बहुत ऊपर खुला, बैंक निफ्टी फ्लैट खुला। निफ्टी अगर 60-70 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, बैंक निफ्टी हैज टू
ओपन 200 पॉइंट अप, ये होता ही है, ये सिनेरियो जनरली रहता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट खुला और ये फ्लैट खुला, वो गैप अप खुला, ये खुलते ही साथ फ्लैट नीचे आया। अगर आप देखोगे कल का जो लो था ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, पहला कैंडल ये यहाँ पे स्ट्रगल किया क्रॉस करने का, 10,600 इज अ स्विंग, यहाँ पे इसने स्ट्रगल किया, ये पॉइंट जब बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा था कल का लो, ये क्रॉस नहीं कर रहा था, दैट इज द फर्स्ट साइन, ये तेजी से नीचे नहीं आ रहा है और वो तेजी से आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बाउंस बैक फ्रॉम समवेयर, ये 21,100 इसी लेवल के आसपास से फिर ये बाउंस हुआ और उस टाइम पे निफ्टी भी बाउंस हुआ, दैट इज द फर्स्ट साइन, आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बैंक निफ्टी नीचे क्रॉस कर चुका था कल का लो, निफ्टी क्रॉस नहीं किया था और ये 10,600 मेरे लिए एक सपोर्ट एरिया था, ये क्यों था, जीरो टू हीरो प्रोग्राम जितने लोग किए हैं उन लोग जानते हैं, और एक चीज, इतने लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप डाउनलोड करके एटलीस्ट फ्री वाला वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो डालूंगा, लाइक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समय अराउंड यहां पे कल ट्रेड मिलता सेलिंग के लिए और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता क्लोजिंग टाइप पे, और जितने लोग जीरो टू हीरो प्रोग्राम किए होते यहां पे आया और ये पॉइंट हमारे लिए बाइंग एरिया था, हमारे रूल्स के हिसाब से ये पॉइंट बाइंग एरिया था। और एक चीज ध्यान में रखो, जब बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, मैं आपको बार बार बताता हूं, निफ्टी हैज टू क्रॉस, निफ्टी क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी क्रॉस कर चुका था, बैंक निफ्टी 250 से 300 पॉइंट के आसपास नीचे ऑलरेडी आ चुका था, तो इसका मतलब कि निफ्टी 600 लेवल के आसपास से हॉल्ट कर सकता है, अगर ये कम बैक करेगा तो 700 बहुत अच्छा रेंज है, क्यों, मैंने आपको बताया था मार्केट समवेयर अराउंड इसी रेंज के अंदर क्लोज हो सकता है, इसी के लिए ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे। और एक पॉइंट चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो एंड में भी वो वीडियो में डाल दूंगा, मैंने आपको बताया था क्लियरली, मार्केट अगर एक्सपायरी डे पे 130 के बाद अगर कंटिन्यूसली हाई या लो टच कर रहा है, इसका मतलब इट कैन बी ट्रेंडिंग, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप फंस सकते हो, अगर 80% का प्रॉफिट आपका आ चुका है, बेटर टू बुक द डे, जैसे मैंने उस टाइम पे भी किया था, समय अराउंड 6-7 लाख प्रॉफिट कैप्चर कर लिया था, आज भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो, कल सुबह का मार्केट क्या रहेगा क्या नहीं मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।